हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीति की दुनिया में स्वागत है। सो आज दिवाली आ गई है नज़दीक, सबके घर में साफ सफाई चल रही होगी और बहुत सारे लोग डिशेस बनाते हैं नए नए तरीके से। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे दूध बॉईल कर लिए हैं, दूध में गाढ़ा हो गया तो चीनी डाल दिए, उसके बाद नारियल को छील के टुकड़े टुकड़े काट लेंगे और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जैसा कि मेरा करवा चौथ और नवरात्रा का नारियल पड़ा होता तो मैं सोची चलो आज कुछ डिशेस बनाया जाए। तो मीठा वगैरह दिवाली में ऐसे भी गुड़ के लड्डू वगैरह सब लोग बनाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में बिना पानी दिए हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें 2 चम्मच या 1 स्पून आप घी डाल के और उसको हल्के हल्का नारियल के बुरादे को ना फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल 5 मिनट में ये नारियल के लड्डू आपको घर पे घर का टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही होता है। आप खुद से हाथ से बनाओ तो खाने में भी मज़ा आता है। और फिर तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, 4 से 5 मिनट में आपके घर पे लड्डू बन जाएंगे, कोई आपको घिसने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हल्के हल्के एकदम धीमी आंच में इसको हल्के 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक इसको भून देंगे। और उसके बाद जो दूध का जो गाढ़ा बनाया है ना उसमें आप चाहे तो मार्केट से भी मलाई ले सकते हैं, बट मैं दूध मेरे पास था और मैं सोची चलो घर का चीज़ सही रहता है तो मैं यहाँ पर बना लिए थे। यहाँ पे ना गैस थोड़ा सा एक थाली में हल्का घी लगा के या रिफाइन लगा के गरम कर लेंगे हल्का प्लेट को। और उसको हल्का मेवा टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं, बट आप स्किप कर सकते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह को। सिर्फ हम थोड़ा सा होता है ना कि मेवा वगैरह पड़ता है तो लड्डू वगैरह अच्छा लगता है खाने में, वरना नारियल के लड्डू में काजू किशमिश नहीं पड़ते हैं। मार्केट में देखते होंगे कि सिर्फ बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं रहते, लेकिन हम घर में डालें और मेवा से टेस्ट ही अच्छा लगता है, कोई बुरा तो लगता नहीं और फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं डाल दी हूँ। आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसको 5 मिनट फ्रिज में रख के उसके बाद गोल गोल पार लेंगे इसको। तो ये रहा हम नारियल का लड्डू रेडी, क्योंकि गर्म में आप पार नहीं सकते तो इसको थोड़ा ठंडे करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। सो गाइस, तो मेरा फाइनली तो लड्डू तो पड़ गया दिवाली का, मीठा तो बन गया, बट मेरा कुछ सफाई बाकी है। ऊपर ऊपर का सफाई तो मेरा ऑलरेडी घर में पेंट हुआ तो मैं सफाई हो चुका था, आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर भी की थी सफाई का पेंट वगैरह का। बट नीचे नीचे जैसे कि पूजा रूम वगैरह या नीचे डस्टिंग वगैरह करना है, तो अब मैं चली दिवाली का साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि दिवाली ऑलरेडी नज़दीक आ गया और मैं बहुत लेट साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मैं आज आप लोग के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग शेयर करने वाली किस तरह से दिवाली में हर कोई लेडीज़ घर हर हाउस वाइफ का ये बुरा हाल होता है, सब लोग अपने साफ सफाई में लगते हैं। तो मैं सोची चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। फटाफट मैं साफ़ कर लेती हूँ पूजा रूम किस तरह से क्या क्या कर रही हूँ। तो अब सो गाइस, और यहाँ पर दिवाली है तो पूजा रूम तो अच्छे से साफ़ करना, धूल झाड़ निकालना बनता है। तो मैं पूजा के हर सामान को निकाल दी हूँ, उसके बाद इसको पूछ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। कितना भी आप डस्टिंग करो लेकिन देख सकते हो पूजा में कितना वो निकल रहा है, मतलब अभी नवरात्र वगैरह में भी की थी, लेकिन होता है ना कि घर में पता नहीं कहाँ से धूल इतने आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे पूजा के सामान पहले निकाल दी हूँ उसको, और उसके बाद डस्टिंग कर रही हूँ, उसके बाद ये सबको धो दूँगी। तो इस तरह से मेरा चल रहा है दिवाली में, तो सबसे मस्त है पूजा करूँ करना। तो यहाँ पे मैं पोंछ के क्लीन कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पे मेरा डस्टिंग हो गया। अब मैं भगवान की जो भी मूर्तियाँ हैं उसको गंगा जल और साफ पानी में रख के मूर्ति वगैरह को धो ले रही हूँ एक एक करके। और उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी का मूर्ति तो दिवाली के दिन ही चेंज होगा, तब तक मैं यहाँ पे धो पोंछ के पुराने वाले को रख रही हूँ, बाल गोपाल को और सारे जो चुंदरी वगैरह हैं उसको धो दूँगी।
तो दिवाली में इस तरह से भगवान के घर को साफ सफाई करना चाहिए। आई होप आप लोग करते होंगे। आप सब लोग का कैसे सफाई किए हैं, क्या क्या किए वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए वो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड आप लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, कैसे क्या चल रहा है, आप लोग का सफाई हो गया, ये सारी चीज़ जिसका सब मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फाइनली मेरा पूजा का तो चल रहा है, देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं बर्तन वगैरह भी धो दूँगी, क्योंकि उस दिन दिवाली के दिन मतलब जहाँ तक होता है कि थाल वगैरह लगाना रहता है भोजन का या बुंदिया वगैरह का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हम नीचे नीचे से शीशा, उसके बाद यहाँ पे हम माता रानी का जितना भी चुंदरी साल भर में जो उड़ा के रखते हैं, तो हम हमेशा दिवाली के टाइम साफ़ कर लेते हैं और चुंदरी को दिवाली के दिन चेंज कर लेते हैं। इस तरह से अभी मैं साफ़ करके इसको धो दूँगी और धूप में डाल दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी मेरा कल का सब डाला हुआ था जो कि उठा के रख दिए, ताकि जो होता है ना अलगन, क्योंकि बालकनी एक ही है, इसी में कपड़ा डालते तो ये खाली हो जाए तभी मैं सार पाऊँ, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था मुंबई से हम लोग आए थे। तो यहाँ पर हम चुंदरी के सूखने के लिए डाल देंगे, तब तक उधर काम करेंगे, ये सूख भी जाएगा तो नहाने पूजा करने टाइम ये उढ़ा फिर पूजा रूम को सजा भी देंगे। तो आपका पूजा रूम अगर सज जाता है ना, अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो लगता है घर साफ होगा, माता रानी का अगर दरबार साफ हो तो। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा सारा उठा कर रख दिया, अभी इसको भी फोल्ड करना, जो मुंबई से हम लोग आए थे घूम के तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था। अब हम चलते हैं पूजा का बर्तन भी धो लेते हैं, क्योंकि पिताम्बरी लगा के छोड़ दिए थे। अब पिताम्बरी लगा के उधर छोड़ देते हो ना तो बर्तन साफ हो जाता है। यहाँ पर हम धो लेंगे। यहाँ पे गाइस ना बर्तन धो रहे थे, मेरा नाइटी ऑलरेडी गीला हो गया था, तो मैं जल्दी से नहा भी ली, बोली चलो कपड़ा ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का जो सब साफ किए थे ना, तो लगा ऐसा कि अगरबत्ती दिखा ही ले, क्योंकि टाइम हो गया था 11 बज गया था। तो मैं सोची कि अगरबत्ती भी दिखा लेते और कपड़े भी चेंज कर लेते हैं नहा लिए। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, लेकिन काम तो मेरा बचा हुआ ही था। हम सोचे चलो लेट होगा तो पूरे दिन लग जाएगा, तो चलो नहा के अगरबत्ती दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अपना आराम से हॉल वगैरह साफ़ करते रहेंगे। तो ऐसा होता है कि रोज़ में तो सोफ़ा के साइड बाहर बाहर से झाड़ू लग जाता है, लेकिन दिवाली वगैरह में कोने कोने साफ करना रहता है। तो यहाँ पे हम सोफ़े को साइड करके हटा के, ताकि कभी कभी होता है ना कि डस्टिंग अंदर घुसा रहता है और पता नहीं चलता है तो रह जाता है, तो झूल झाल रह जाता है, तो इसलिए हम सोफ़े को हटा के उसके पर्दे साइड करके उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं। तो पता चला यहाँ पे कि ना हम लोग मुंबई एक सप्ताह के लिए गए, तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाइनिंग टेबल पर रखा था, सारे चूहे ले गए थे अंदर। क्या बताएं, कितना भी आप घर में सेफ्टी रख लो, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह फैला रखा था। तो इस तरह से अब हम हॉल को भी क्लीन कर लेंगे। आपका हॉल क्लीन रहता है ना तो बहुत, जो भी गेस्ट दिवाली वगैरह में आते हैं हॉल में ही बैठते हैं, तो सोफा वगैरह साइड करके अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो सही रहता है कि आपको कहीं से स्मेल या कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि चलो हाँ घर अब जाके सफाई हो गया। यहाँ पे मेरा झाड़ू हो गया, अब हम बर्तन को रख देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि हॉल ऑलरेडी साफ हो गया। तो यहाँ पे अब हम बर्तन को फैन चला के छोड़ देंगे सूखने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं अगरबत्ती, हम फिलहाल पूजा रूम में अभी भगवान को सजाए नहीं थे, लेकिन अगरबत्ती जला के छोड़ दिए थे कि ताकि थोड़ा घर का सुगंध अच्छा भी आता है। अब चाहे आपको कभी भी घर में हॉल में या रूम में धूप जला के छोड़ देना चाहिए, ताकि सो गाइस। तो फाइनली मेरा सोफ़ा वगैरह सफाई हो गया, पूजा रूम सफाई हुआ, बुक वगैरह भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दी सजा के। अब यहाँ पे फाइनली भूख भी लग गया, नाश्ते का टाइम हो गया। हम लोग सुबह में फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, तो बीच में हम काम छोड़ के चले गए मैगी बनाने के लिए। और फिलहाल अब हम हॉल में, झाड़ू तो हो गया था मेरा लेकिन पोछा नहीं हो पाया था,
तो उधर हम मैगी चढ़ा दिए हैं बनाने के लिए, तब तक हम मैं सोच रहे हैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को मैगी बना के दे दिए, सुबह में ओट्स वगैरह वो ले लिए थे। और उसके बाद हम अब आ गए हैं टीवी वाले जहाँ पे सोपिस वाला सामान फ्लावर वगैरह रहता है ना, उस पर और ज़्यादा डस्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम सबको अच्छे से कपड़े गीले कपड़े से पोछ ले रहे हैं, क्लीन कर ले रहे हैं क्वाइन से और टीवी वगैरह के पोछ के, और उसके बाद हम हॉल के काम से फ्री हो जाएंगे। बाकी किचन वगैरह हम कल ही साफ़ कर लिए थे क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता इतना सारा काम, और हम क्लिप नहीं शूट कर पाते क्योंकि अकेले हम रहते हैं, कैमरा भी मैनेज करना, फिर से वो क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और फिर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। बट थोड़ा बहुत दिवाली का साफ़ सफाई मैं सोची चलो सब लोग, हर लेडीज़ की काम धाम है, काम परेशानी होती है, तो कैसे कैसे मैनेज करती हूँ भाई ये सब चीज़ मेरे इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए। तो फाइनली मेरा टीवी शो का भी अब हम पोस्ट ले रहे हैं, डस्टिंग कर ले रहे हैं क्योंकि हॉल आज लास्ट कर देते हैं सफाई। थैंक गॉड कि मेरा झोलना नहीं पड़ा, नहीं झाड़ू से लेके और भी ज़्यादा काम लगता, लेकिन मेरा इतने पे काम हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक अनिनी आई हैं, तो मैं उनको भी बोली मेरा कैमरा मैन। सप्ताह में एक बार हो जाता है क्या चीज़? ये गंदा अभी पेंट हुआ था ना, तो पोछे से फिर हो गया। सो यहाँ पे हम बैंगन आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो लोग सब्जी काट के रख लिए थे सुबह में ही, लेकिन फिर बना नहीं पाए थे सफाई के चक्कर में, तो वहाँ पे बना ले रहे हैं। और ये देख सकते हैं मेरा हॉल बिल्कुल क्लीन हो गया है, एंड ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ साफ नए की तरह। तो इस तरह से अगर आपका घर साफ रहता है ना तो सुकून मिलता है और बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं। धूप वगैरह हम घर में जला दिए हैं, धूप वगैरह से भी अच्छा लगता है और मन शांत लगता है। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है, अब बस हम खाना बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाने के बाद शाम को कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद पूजा रूम पूजा वगैरह तब तक सूख जाएगा तो फिर उसको भी सजा के और धूप जला देंगे। तो चलिए आगे ब्लॉग में बनी रहिए। अभी हो गया एंड धूप बत्ती भी जल गया, इस तरह से देखिए सुबह से शाम तक का ब्लॉग। तो गाइस अब मैं नहा धोवा के शाम को, जैसा कि थोड़ा बहुत सूख दोपहर में नहा लिया था लेकिन डस्टिंग करने के बाद। सो गाइस तो मेरा काम समाप्त हो गया, मैं नहा धोवा के रेडी हो गई और थोड़ा सा किटी पार्टी में जा रही हूँ, तो चलिए ब्लॉग में बन गई। सो गाइस गाड़ी में ना ये गाना बज रहा था, तो कॉफ़ी राइट आजकल बहुत जल्दी आ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं नहा धोके जैसे कि बता दी कि रेडी हो गई। और किटी पार्टी महीने में एक बार होता है हम लोग का, तो आज लास्ट डे रखे थे हम लोग क्योंकि दिवाली छठ में सब लोग बिजी हो जाते हैं और बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए आज ही हम लोग प्रोग्राम लास्ट डे, क्योंकि अब दिवाली का 2 से 3 दिन बचा हुआ है तो नहीं खाना वाना होगा बाहर का उतना, और सबको इधर उधर जाना रहता है, काम में बिजी हो जाते हैं। तो हम लोग अभी निकल पड़े मैं और अंकिता की गाड़ी से, हम लोग छोड़ने आ गए थे और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं। सो गाइस तो हम लोग फाइनली आ पहुँचे जय श्री रेस्टोरेंट में फाइनली, अब इसके बाद सब लोग बिजी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्नैक्स ले रहे हैं, सूप। दिवाली का पूरा थकावट खत्म कर दे रहा है, सो गाइस तो हम लोग को इसी बहाने घर से 1 महीना में 1 बार निकलना हो जाता है और अपने आप को पैम्परिंग कर पाते हैं, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, दिन रात घर में हाउसवाइफ काम धाम ये वो, तो इस तरह से आप लोग भी टाइम निकालिए अपने लिए और कुछ लाइफ में इंजॉय कीजिए, कुछ नहीं है बस खाना पीना बनाना यही लाइफ है, तो कुछ अपने लिए भी टाइम निकालिए और टाइम को स्पेंड कीजिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।